नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा सत्या आपका अपने चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ श्रग्स का कलेक्शन है जो मेरे पास, मैं उसको शेयर कर रही हूँ। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना हॉल। फ्रेंड्स, ये जो श्रग्स मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कुर्ता और जो शलवार का जो कपड़े आते हैं उसी से बनवाए हैं, बट मैंने अपने टेलर को इसका डिज़ाइन दे दिया था और वो डिज़ाइंस मैं आपको डिस्प्ले में भी दिखाऊंगी। एक्चुअली ये एज इट इज़ जैसे मैंने चाहा था वैसे ही बने, इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसकी स्लीव्स मैंने फुल, हर किसी का मैंने फुल स्लीव्स इतना ऑलमोस्ट मैंने बनवाया है। और आप इसका देख सकते हैं, गला गोल है और इस पर मैंने बहुत सुंदर से बटन्स बनवाए हैं, देख रहे होंगे आप जो इसी के हैं। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ओपन है और नीचे काफ़ी अच्छा फ्लेयर है, आप देख रहे होंगे फ्लेयर भी बहुत अच्छा है इसका। फ्रेंड्स, इसके कुर्ते के कपड़े से मैंने इसको श्रग बनवा लिया और जो इसका शलवार का कुर्ता कपड़ा था उससे मैंने इसका इनर बनवाया है। और इनर भी मैंने काफ़ी अच्छा बनवाया है कि अगर आप चाहें तो इनर को और लेगिंग के साथ अगर पेयर अप करते हैं तो आप उसके साथ पहन सकते हैं। और ये श्रग अगर आप चाहें तो इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, आप इसे टॉप के साथ किसी जीन्स पे या टी शर्ट या स्पैगेटी पहन के आप इसे किसी भी वेस्टर्न या इंडो वेस्टर्न ड्रेस जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला, मैं आपको दूसरा श्रग दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये भी कुर्ते का कपड़ा ही था और इसको मैंने, आप देख रहे होंगे ये स्टंट कॉलर है, चाइनीज़ कॉलर टाइप का। और ये भी स्लीव्स आपने देखा सबकी लॉन्ग है और आप ये देख रहे होंगे बॉर्डर है। ये जो ये बॉर्डर है ये पूरे कुर्ते में थी तो मैंने इसको यूटिलाइज़ किया इसके फ्रंट में। और आप देख सकते हैं ये बटन्स हैं और इसके साथ ये इसका लगाने का है, बहुत ही सुंदर। फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पे क्लोज़ होता है, ऐसे क्लोज़ होता है और ये यहाँ से ऐसे लग जाता है और ये ऐसे हैंड्स है। फ्रेंड्स, मैं इनका पिक्चर्स भी आपको शेयर करूँगी और इसको मैं आपको ट्राई ऑन भी करके दिखाऊँगी, सो उसकी भी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही मैं इसको कहूँगी बहुत ही एफिशिएंट यूज़ ऑफ द कपड़ा। अगर आपके पास सूट का कपड़ा है तो अगर आप चाहते हैं, बिकॉज़ फ्रेंड्स ये अगर आप लेने जाओगे ऑनलाइन या कहीं पे भी तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं श्रग्स वाले। और ये श्रग्स को मैंने आपका कहा भी है कि आप इसे मल्टीपर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड श्रग है, आप देख रहे होंगे ये भी कुर्ते का कपड़ा ही था और देख रहे होंगे आप इसमें भी मैंने इसका जो कुर्ते का जो बॉर्डर था मैंने उसको यूटिलाइज़ किया है और बटन्स हैं। और ये भी चाइनीज़ कॉलर जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था ये ऑलमोस्ट सेम है, इसकी भी स्लीव्स 3/4 है, 3/4 से ज़्यादा ही है, बट मैंने इसमें कट्स डलवाए हैं, दिस इज़ डिफरेंट। और फ्रेंड्स, ये बहुत 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 खूबसूरत भी लग रहा है। आप किसी बुटीक से बनवाएंगे फ्रेंड्स तो ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा, बट मुझे ये मेरे टेलर से मुझे कुर्ते की सिलाई के कॉस्ट पे बन गया। एंड इसका फ्लेयर भी आप नीचे देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, जितना ए लाइन में होता है, अनारकली से कम है लेकिन बहुत अच्छा फ्लेयर है। ऑलमोस्ट ये मुझे लगता है 4-4.5 मीटर ऑलमोस्ट कपड़ा होगा जिसमें शलवार और कुर्ता है, उसके कुर्ते के कपड़े का मैंने ये बनवा लिया और जो शलवार का कपड़ा था उसका इनर बनवा लिया। सो आई एम यूजिंग दैट वेरी एफिशिएंट वे। मेरा फोर्थ है, ये भी मेरा श्रग है, इसे मैंने काफ़ी यूज़ भी कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, इसका भी मैंने स्लीव्स बड़ा ही बनवाया है क्योंकि मैंने जो इसके इनर्स बनवाए हैं उन्हें स्लीवलेस बनवाया है तो इट इज़ वेरी गुड, उन्हें भी आप यूज़ करके इसके साथ आप पहन सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनकी स्लीव्स को सबको फुल बनवाया है। और देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इसमें मैंने टैग्स या कुछ भी नहीं डलवाया, ये बिल्कुल ऐसा ही है, प्लेन है, बस आप इसको एज अ वो पहनते हो, बाकी का ये पूरा ओपन रहता है। और आप देख रहे होंगे इसमें भी बहुत सुंदर सा फ्लेयर है। और ये भी कुर्ते का कपड़ा था, इसको मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है एज अ श्रग और मैंने आपको कहा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इनके पिक्चर्स भी नीचे डिस्प्ले करूँगी। आपको मेरा श्रग कलेक्शन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा
और आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको मेरा आइडिया ऑफ मेकिंग जो सलवार सूट का पीस था उसके साथ मैंने जो श्रग्स बनवाए और कुर्ते बनवाए हैं वो आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। टिल देन, बाय।